दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आखिरकार ये क्या रोमांचक मुकाबला था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के शतक से बनाए 202 रन, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे मात्र 17 रन। फिर अर्शदीप सिंह, आवेश खान और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस तरह पलटा पूरा मैच। और क्या दोस्तों, भारत की टीम आखिरी ओवर में जीत पाई या फिर साउथ अफ्रीका की टीम ने बाजी मार ली, वो आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले T20 मुकाबले के हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह में से कौन अच्छा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच किंग्स मीड के मैदान पर 4 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा, जहां इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट गंवाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 202 रन बना डाले। लेकिन दोस्तों, मैच जितना शुरुआत में रोमांचक लग रहा था, लेकिन अंत में जाकर मैच ने ऐसी करवट ली कि एक समय पर जो टीम इंडिया विनर लग रही थी, वही टीम अब हारने की कगार पर पहुंच गई। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि यहाँ साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। अब दोस्तों, भारतीय टीम को बस इसी बात पर ध्यान देना था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने विकेट गुच्छे में ना गिराए जाए। अब दोस्तों, यहाँ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, जहाँ दोनों बल्लेबाजों से बड़ी साझेदारी की उम्मीद लग रही थी। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म एक बार फिर से देखने के लिए मिला, जो कि 8 गेंदों पर मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। और जेरोल्ड कोइट्ज़िया ने उन्हें पहली ही गेंद पर आउट किया, जहाँ अभिषेक ने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बल्ले को गेंद के साथ। और एडन मार्करम ने शानदार कैच पीछे भागते हुए लेकर भारतीय टीम को पहला झटका दिया। अब दोस्तों, अभिषेक शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव के भी बल्ले से कोई अच्छे खास रन देखने के लिए मिले नहीं, और 17 गेंदों में 21 रन बनाकर वो आउट हुए। और इस दौरान सूर्य कुमार ने धीमी गेंद को लाइन के बाहर खेला, लेकिन गति की कमी के कारण गेंद को सही से वो हिट नहीं कर सके, और डीप मिड विकेट पर एंडिले सिमेलाने ने उन्हें कैच आउट कर दिया। और जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए, तो भारत ने अपने 2 विकेट मात्र 90 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। अब दोस्तों, ये 2 विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा उतरे। हालांकि दोस्तों, तिलक वर्मा को केशव महाराज ने आउट किया, जो कि केशव महाराज के अंदर आती हुई गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के लिए गए, और गेंद अपनी गति से ज्यादा उछल गई और टॉप एज लेकर हवा में ऊंची चली गई। और डीप मिड विकेट पर खड़े मार्को यानसन ने कैच पकड़कर भारत को तीसरा झटका दिया। और दोस्तों, ये 3 विकेट गिर जाने के बाद संजू सैमसन पर अब पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि भारत को कैसे भी करके 200 रन के पार लेकर जाना है। और इस दौरान संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले तो 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, और शतक पूरा करने के बाद भी संजू सैमसन रुके नहीं। उन्होंने 7 चौके और 10 छक्कों की बदौलत 107 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर की 4थी गेंद पर संजू सैमसन को पीटर ने एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया, जो कि संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम को 4था बड़ा झटका दे गई। अब दोस्तों, भारत ने अपने 4 बड़े विकेट 175 रन के कुल स्कोर पर गवा दिए थे, और टीम इंडिया के लिए बस एक बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने शतक जड़ा। बाकी तो दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हो रही थी। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह टिके हुए थे। हालांकि दोस्तों, हार्दिक पांड्या से उम्मीदें तो काफी लग रही थी, लेकिन वो केवल 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। जहां 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर जेरोल्ड कोइट्ज़िया ने उन्हें शॉर्ट गेंद पर काटने का प्रयास किया, और गेंद सीधा बल्ले का किनारा लेती हुई डीप पॉइंट पर खड़े मार्को यानसन के हाथों में चली गई, जिसके चलते टीम इंडिया को यह 5वां झटका लगा। और हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट अपने गंवाते चले गए। इस दौरान भारत के लिए रिंकू सिंह मात्र 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए, और उनका विकेट भी कोइट्ज़िया के नाम रहा। तो वहीं अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह जब पारी को संभाल रहे थे, तब अक्षर पटेल भी 7 गेंदों पर मात्र 7 रन ही बना पाए। और जब अक्षर पटेल
आउट हुए थे तो टीम इंडिया को सातवां बड़ा झटका लगा था और 199 रन का स्कोर टीम इंडिया बनाने में कामयाब हो सकी थी। लेकिन दोस्तों फिर अर्शदीप सिंह ने 4 गेंदों पर 5 और रवि बिश्नोई ने 3 गेंद पर 1 रन बनाकर भारतीय टीम को 200 रन के पार करवाया, जिसके चलते टीम इंडिया 202 रन बनाने में कामयाब हो पाई। और दोस्तों यहां भारतीय टीम ने अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 203 रन का लक्ष्य रख दिया था। और इस बीच साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट जेरॉल्ड कोएट्ज़िया के नाम रहे, तो वहीं एक एक विकेट मार्को यानसन, केशव महाराज, नुकावा पीटर और पैट्रिक क्रूगर को मिला। अब दोस्तों यहां भारतीय गेंदबाज ये तो समझ चुके थे कि यहां पर विकेट गिरने तय, क्योंकि काफी ज्यादा मदद गेंदबाजों को कर रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर शुरुआत में बल्लेबाजों से बचकर भारतीय गेंदबाजों को रहना था। अब यहां साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने रियान रिकल्टन के साथ कप्तान एडन मार्करम उतरे, जहां दोनों बल्लेबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम के लिए पहले विकेट के लिए तो कम से कम 50 से ज्यादा रन जोड़ने की। लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के आगे यह कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, ये शायद साउथ अफ्रीका की टीम को पता नहीं था। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि पहला ओवर करवाने के लिए जब अर्शदीप सिंह आए थे तो सामने उनके एडन मार्करम मौजूद थे। अब दोस्तों एडन मार्करम ने शुरुआत की 3 गेंदों पर ही 2 चौके जड़कर 8 रन वसूल कर लिए थे। यहां एडन मार्करम का भी जोश हाई हो चुका था कि वो इस मैदान पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों तभी अर्शदीप सिंह ने पटकी हुई लेंथ पर गेंदबाजी करवा दी और वो पूरी तरह से भौचक्के हो गए और एडन मार्करम के बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद सीधा पीछे खड़े संजू सैमसन के हाथों में चली गई, जो कि 8 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों एडन मार्करम का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर फिनिशर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को भेजा गया, जहां दोस्तों रियान रिकल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को मिलकर साझेदारी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स 11 गेंदों पर मात्र 11 रन ही बना पाते हैं, तभी आवेश खान उनको सूर्य कुमार यादव के हाथों डीप कवर्स की तरफ कैच आउट करवा देते हैं, जिसके चलते भारतीय टीम को ये दूसरी सफलता प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों टीम इंडिया ने 30 रन के कुल स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 2 बड़े विकेट गवा दिए थे और भारत की टीम पूरी तरह इस मुकाबले को जीतने की उम्मीद में आगे बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर अब मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासेन उतर गए, जहां रियान रिकल्टन और हेनरिक क्लासेन पर पूरा दारोमदार था साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा जमकर बल्लेबाजी करने का। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज इनको भी कहां छोड़ने वाले थे, एक तरफ से अर्शदीप सिंह लगे पड़े थे तो दूसरी तरफ से वरुण चक्रवर्ती को अब गुस्सा आ गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहला ही ओवर करवाया और पहले ही अपने स्पेल में दूसरी गेंद डालकर उन्होंने तिलक वर्मा के हाथों रियान का भी विकेट चटका दिया। और यहां वरुण चक्रवर्ती ये विकेट लेने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम को तीसरा झटका दे देते हैं, जहां रियान रिकल्टन 11 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम की लुटिया डूब चुकी थी, क्योंकि ये मुकाबला भारत की पकड़ में आ चुका था। अब बस 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो कि मुकाबले को पलटने का दम रखते हैं और वो है हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश की और मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जाने की। लेकिन दोस्तों जब अंतिम ओवर में 17 रन भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए थे, तब साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रोका। और इस बीच अर्शदीप सिंह, आवेश खान, हार्दिक पांड्या की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को जीत नहीं पाई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर दोगे इस प्रदर्शन के लिए, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।